हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम पन्ना जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, गर्मियों में हमें लू से बचाता है। चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ 4 कच्चे आम लिए हैं जिन्हें हम कुकर में उबाल लेंगे। आप चाहें तो उनके पीसेस करके भी उबाल सकते हैं, लेकिन हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे। हमने कुकर में 1 गिलास पानी लिया है और 4 कच्चे आम हम उबाल लेते हैं। 4 विसल्स आने के बाद हमारे आम गल चुके हैं। अब हम इन आमों के कवर निकाल देंगे यानी कि छिलके, और ठंडा होने के लिए हम इन्हें रख देते हैं 5 मिनट के लिए। हमारे 4 कच्चे आम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से चाहें तो आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ नाइफ की मदद से इनका पल्प अलग कर रहा हूँ। पल्प मैंने एक कटोरी में कर लिया है। देखिए, इतना पल्प 3 से 4 गिलास के लिए काफ़ी है। हम कच्चे आम का पल्प मिक्सर के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसके ट्रांसफ़र करने के बाद करीब हम 25 ग्राम चीनी मिला देंगे। आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम 1/2 चम्मच काला नमक मिला देंगे, और इसके अंदर 1/2 कटोरी पानी मिला देंगे। देखिए, और लास्ट में हम 5 से 7 दाने काली मिर्च साबुत इसके अंदर मिला देंगे और मिक्सर में चला लेंगे। मिक्सर में हमने इसे 2 मिनट चला लिया है। हमारा लिक्विड बनके इस तरह से तैयार हो चुका है। एक मिक्सर के जार के अंदर हम आइस क्यूब ले लेंगे और ताज़े पुदीना के पत्ते ले लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और मिक्सर में 1 से 2 राउंड ही चलाएंगे। देखिए, इस तरह से ज़्यादा चलाने से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा धनिया, और इसको आम पन्ना में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम करीब 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भून के भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं मिलाना है, वरना आम पन्ने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हम लास्ट में इसके अंदर पानी और मिला लेंगे। हम लगभग 1/2 लीटर पानी इसके अंदर मिला रहे हैं, ताकि हमारा आम पन्ना ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से हमारा आम पन्ना बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, गर्मियों के मौसम में बहुत ही हेल्दी रहता है और हमें लू से भी बचाता है। पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।